बड़े सारे ई कॉमर्स साइट्स पर सर ऑक्सीजन कैंस बेचे जा रहे हैं, ये अगर आपने नोटिस किया हो या बारे में जानकारी दे सके कि ये क्या है और क्या इसका कोई वाकई यूज है, क्या एसओएस के लिए इस तरह के ऑक्सीजन कैंस खरीद कर रखना ठीक है? इसका ऑक्सीजन कैंस का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन ले ली तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो आपको हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ऑक्सीजन पूरी तरह से वहां पे मॉनिटर करके जितना फ्लो रेट है उसके हिसाब से देने की जरूरत है। इसलिए घर पे ऑक्सीजन आप लें और उसका मॉनिटर भी ना हो पाए और आपको गलत सेंस आपको ऐसे लगे कि मैं ठीक हूँ, ये बात धारणा ठीक नहीं है। अगर आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, 94 से कम है, तो डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर 90 से कम है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं और वहां पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको वहां पे मिलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम घर पे ऑक्सीजन कैंस ना रखें क्योंकि उससे आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी। सर आपने ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग क्या बताई, 90 से नीचे आने पर हॉस्पिटल जाएं या 94 से नीचे आने पर हॉस्पिटल जाएं? 94 से नीचे हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और फिर क्लोज मॉनिटरिंग करें, लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन रेगुलरली 90 से कम आ रही है तो फिर आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। तो 90 टू 94 एक बफर है जिसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कभी कभी थोड़ा सा जो आप रोड डालते हो सैचुरेशन का उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। जी सर, अब मैं जरा जो टेस्ट रीडिंग्स है उसको लेकर भी लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जब आरटीपीसीआर की रीडिंग आती है उसमें सीटी वैल्यू, जो वायरल लोड वैल्यू है, उसको लेकर भी लोग अपनी तरह से देखते हैं, समझते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। मैं चाहती हूँ कि बताओ डॉक्टर, आप डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बताएं कि ये जो सीटी वैल्यू है वायरल लोड, उसको देखने की कितनी जरूरत है और उससे क्या समझ में आता है? तो सीटी वैल्यू को हम कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। इसका पहले लोग ये सोचते थे कि, और सीटी वैल्यू का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जितनी आपकी लो सीटी वैल्यू हो उतना ज्यादा वायरल लोड है आप में, मतलब वायरस जाता है। अगर आपकी सीटी वैल्यू मान लो 15-16 है तो आपका वायरल लोड बहुत ज्यादा है। अगर आपकी सीटी वैल्यू 30 या 30 से ऊपर है तो इसका मतलब आपका वायरस लोड कम है, वायरस कम है। तो लोग ये सोचते थे कि हम सीटी वैल्यू के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि आपको, आप कितने इन्फेक्शियस हैं, आप कितनी बीमारी फैला सकते हैं या आपको कितनी सीवियर इलनेस हो सकती है। लेकिन ये दोनों धारणाएं जो है ये ठीक नहीं है, और इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जब हम टेस्ट करते हैं तो जो डिजीज का जो प्रोग्रेशन है उसके एक पॉइंट पे करते हैं। मान लो आज मैंने किसी का नेजल स्वैब लिया, अभी बीमारी उसकी बढ़ रही थी, तो ये हो सकता है कि अभी वायरल लोड कम है तो सीटी वैल्यू जो है उसकी ज्यादा आएगी। कल हम करेंगे तो फिर वायरल लोड बढ़ जाएगा तो सीटी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो एक सीटी वैल्यू पे आप ये नहीं कह सकते कि वायरस कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो एक एट वन पॉइंट इन टाइम आपने टेस्ट किया, उसका हम आगे कितना बढ़ेगा कितना कम होगा वो नहीं कह सकते। सिमिलरली इफेक्टिविटी और या डिजीज सिवेरिटी जो है वो सीटी वैल्यू से लिंक नहीं हुई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि लोगों को सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट देखनी चाहिए, सीटी वैल्यू पे ना जाए क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है।